भारत और वेस्टइंडीज के टीम के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार को पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आखिरी 10 ओवर्स में दमदार बल्लेबाजी कर 2 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली और किसी भी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा बायलैटरल वनडे सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बना दी है। भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। भारत ने वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ अब तक 2007 से 2002 के बीच 12 लगातार बायलैटरल सीरीज में जीत हासिल की है और इस मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम के नाम थी, जिसमें 1996 से 2021 के बीच में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 11 सीरीज में जीत हासिल की थी। वहीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 10 सीरीज का था, जो 1999 से 2022 के बीच बनाया था। आखिरी 10 ओवर में पलटा हारा हुआ मैच। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका का नाम भी है, जिसने 1995 से 2018 के बीच जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 10 सीरीज जीती है। तो वहीं पर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2007 से 2021 के बीच लगातार 9 वनडे सीरीज अपने नाम की है। पोर्ट ऑफ स्पेन पर खेले गए इस मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज टीम के सलामी बल्लेबाज शाई होप ने 115 रन के शानदार शतक और कप्तान निकलस पुरन के 74 रन के 6 छक्के से सजे अर्धशतक की मदद से 311 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 40 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 212 रन ही बना सकी थी। हालांकि आखिरी 10 ओवर में उनके हरफन मौला खिलाड़ी अक्षर पटेल ने विस्फोटक आतिशी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अक्षर पटेल ने इस मैच में सिर्फ 35 गेंद का सामना करते हुए 3 चौके और 5 छक्कों के दम पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। अक्षर पटेल के अलावा श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और लड़खड़ाती भारतीय टीम को मिडल ऑर्डर्स में सहारा दिया।